हेलो गाइस, आज हम आरसी ट्रांसमीटर रेडियो के काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखने वाले हैं। वो फंक्शन है थ्रॉटल कर्व और थ्रॉटल होल्ड। थ्रॉटल यानी इजी लैंग्वेज में कहें तो एक्सेलरेटर। तो FS-I6 रेडियो में इसकी कर्व कैसे सेट करते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। इस वीडियो से आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके फ्लाइट को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। गाइज, यहाँ मैंने सेटअप लगा कर रखा है ESC ब्रशलेस मोटर, रेडियो रिसीवर और लाइपो बैटरी। तो जल्दी से मैं ESC को कैलिब्रेट कर लेता हूँ। अगर आपको ESC कैलिब्रेट करना सीखना है तो ये वीडियो जरूर देखें। ESC कैलिब्रेटेड है तो अभी हम देखेंगे कि थ्रॉटल सेटिंग पर कैसे जाना है। ओके बटन प्रेस करें। अब फंक्शन सेटअप, ओके डाउन बटन प्रेस करें। ये रहा थ्रॉटल कर्व, इसे ओपन करना है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक इंक्लाइंड लाइन है। जैसे जैसे मैं थ्रॉटल इंक्रीज करता हूँ ये लाइन आगे मूव होती है। बैटरी को अनप्लग करता हूँ। एच तक जाएगी लाइन, एच यानी हाई और एल यानी लो। बीच में तीन पॉइंट्स है, 1, 2 एंड 3। यहाँ 1 है 25% यानी फर्स्ट पोजीशन थ्रॉटल को 25% पर रखेगी। इसे चेंज कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करें और अप डाउन बटन की हेल्प से इसे चेंज करें। मैं रिड्यूस करता हूँ 10% पर। तो आप देख सकते हैं कि कर्व बन गई है फर्स्ट पोजीशन पर 10% वैल्यू की। सेकेंड पोजीशन की वैल्यू भी रिड्यूस करता हूँ मैं, इसे किया 25%। सेव करने के लिए कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करें। अब लाइव डेमो देख लेते हैं। तो पहले के मुकाबले मोटर की स्पीड अप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह आप आपके हिसाब से थ्रॉटल कर्व सेट कर सकते हैं। थ्रॉटल कर्व मोस्टली स्मूथ लैंडिंग्स और प्लेन की केस में स्लो टैक्सी करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थ्रॉटल से रिलेटेड थ्रॉटल होल्ड। ओके, इसे मैं ऑन करता हूँ। ओके प्रेस किया। अब इसकी वैल्यू सेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10%। अभी स्टेटस इसका नॉट एंगेज है, सेव। अब स्विचेस असाइन में जाए। यहाँ थर्ड ऑप्शन है थ्रॉटल होल्ड का, जो यहाँ स्विच डी को असाइन किया है। ये रहा स्विच डी, ऑन ऑफ। थ्रॉटल होल्ड में बेसिकली होगा ये कि जब थ्रॉटल होल्ड ऑफ होगा तब आप रेगुलर स्टिक से थ्रॉटल कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हवा में अगर ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स को एक जगह पर फिक्स करने के लिए या प्लेन्स में लेवल स्टेडी फ्लाइट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मैंने 10% वैल्यू सेट की है एग्जाम्पल के लिए, तो ये ग्राउंड टैक्सी के लिए यूज हो सकता है। इसमें मोटर 10% पर कॉन्स्टेंटली रोटेट होगी और एक बार थ्रॉटल होल्ड एंगेज हो जाने पर थ्रॉटल स्टिक का कोई यूज नहीं। ऑफ करने पर थ्रॉटल स्टिक पर कंट्रोल वापस आ जाता है। थ्रॉटल कर्व को एक बार वापस देख लेते हैं। अब यहाँ मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को 25% पर सेट किया है। तो उन दो पोजीशंस के दौरान मोटर की जो रोटेशन है वो ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। सी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है मोटर। तो गाइज, ये था थ्रॉटल कर्व सेटिंग कैसे करना है और थ्रॉटल होल्ड की इन्फॉर्मेशन। होप आज का ये वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैव अ हैप्पी फ्लाइट। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें DM कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।